अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सादिया और मैं आज आपके साथ हैंड पेंटेड दुपट्टे का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूं। वैसे तो ये दुपट्टा मेरी पप्पो का है, लेकिन हैंड पेंटेड दुपट्टे के डिज़ाइन का एक कमेंट भी मुझे आया था, इसलिए फिर ये दुपट्टे का डिज़ाइन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम ऑर्गेंजा का दुपट्टा लेंगे और ये पेंट कलर है और ये साथ ब्रश यूज़ कर रहे हैं। पेंट कलर मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे। इसके बाद हम बटर पेपर पर मोर की एक शेप ट्रेस करेंगे। ये 3 लीव्स हैं और ये फ्लावर की एक शेप ट्रेस की है। बटर पेपर को हम फैब्रिक के नीचे रख के फैब्रिक पे ट्रेसिंग का काम हम करेंगे। फ्लावर के लिए हम रेड कलर का यूज़ करेंगे। जो फ्लावर की पत्ती है, जो पंखड़ी जिसको कहते हैं, उसको ऑफलाइन पहले हम करेंगे, बाद में इसके बीच कलर को फिल कर देंगे। आप भी अगर फैब्रिक पे पेंट कर रहे हैं, अगर पेंट अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहे तो पेंट में हम जो वाटर या बाइनर यूज़ कर रहे हैं उसकी मकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका पेंट फैब्रिक पर करने के बाद फैल रहा है तो आप उसमें पानी की मकदार को थोड़ा कम करके पेंट की मकदार को ज़्यादा कर दें। पेंट की मकदार को ज़्यादा करने के बाद आपका पेंट अच्छे से होगा। अगर हम पेंट को ज़्यादा ऐड करेंगे, पानी को कम ऐड करेंगे, तो फैब्रिक पे एक मोटी यानी कि पेंट की एक लेयर आ जाएगी, तो वो ज़्यादा थिक पेंट हो जाएगा। आप फैब्रिक को देखते हुए पेंट करेंगे। अगर आपका फैब्रिक जैसे कि ऑर्गेंजा का है, ब्रिक्स है, तो उस पर यानी कि ज़्यादा थिक पेंट नहीं कर सकते, जैसा फैब्रिक है वैसा ही पेंट होगा। लीव्स के लिए हम ग्रीन कलर का यूज़ कर रहे हैं। पेंट करने के बाद हम इसको 24 घंटे के लिए रख देंगे ताकि पेंट फैब्रिक पे अच्छे से ड्राई हो जाए। मोर के लिए हम ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोर में हम ब्लू के साथ ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लावर की ओपन के लिए हमने चेन यूज़ की है, क्योंकि जिसका दुपट्टा है उसको काम थोड़ा जल्दी चाहिए था। आप इसकी ओपन के लिए नक्शी भी यूज़ कर सकते हैं, दबका भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे आजकल जो हैंड पेंटेड दुपट्टे पे मटेरियल यूज़ हो रहा है वो गोल्डन कलर का है, तो जिसका ये दुपट्टा है उसकी फरमाइश पे मैंने सिल्वर कलर का मटेरियल यूज़ किया है। चेन के बाद हमने कप सीक्वेंस लिए हैं। इसको हमने पत्ती के दरमियान में सीधी लाइन में लगाना है, तरतीब वाइज एक सीक्वेंस छोड़ के दूसरा सीक्वेंस लगाते जाना, साथ साथ अटैच करना है। ये हमने सिल्वर कलर में नक्शी के पीस लिए हैं छोटे। ये फ्लैट सीक्वेंस है। सबसे पहले हमने एक सीक्वेंस लिया, उसके बाद नक्शी के 2 पीस लिए हैं, फिर बाद में सीक्वेंस लिया है। नक्शे के दरमियान वाले हिस्से से हमने स्टिच करना है।
लीव्स की शाखों में हमने थोड़े थोड़े फासले पे सीक्वेंस लगाते जाना है। फ्लावर की ऑफलाइन के लिए हमने चेन यूज की है। फ्लावर के दरमियान में हम नेट का एक फूल बना के लगाएंगे। आप ना भी लगाए तो ज़्यादा बेहतर है, मुझे तो इतना खास नहीं लगा ये फ्लावर के दरमियान में एक फ्लावर। इसके बाद हमने पाइप बीड्स लिए और ये सीड बीड्स हैं, इनको फ्लावर के दरमियान में हमने लगाना है। बिग मल्टी शेड में हमने सीक्वेंस लिए हैं और एक पाइप बीड्स और एक सीक्वेंस लेके हमने फ्लावर के दरमियान इसको हमने बांट देना है। पूरे फ्लावर में हमने इसका छट्टा लगा देना है। ये बिग पर्ल्स हैं, इसको लगाने के लिए हम नक्शी या फिर दबके का एक पीस लेंगे, उसको हम स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद उसके ऊपर हम एक पर्ल लेंगे। पर्ल के बाद हमने एक सीक्वेंस लेना है। सीक्वेंस के बाद हम छोटा सीड बीड्स लेंगे, उसके साथ हम अटैच कर देंगे। जिसका दुपट्टा उसकी मर्ज़ी से हमने मटेरियल काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। आप कम मटेरियल यूज़ करें, फ्लावर की ज़्यादा प्यारी लुक आएगी। जहाँ पर हम बड़ा पर्ल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर भी हम पाइप बीड्स और सीक्वेंस का छट्टा लगा सकते हैं। मोर के भी ऑफलाइन हमने सारी चेन से की है। ये हमने सिल्वर कलर में राउंड शेप में स्टोन्स लिए हैं, ये मोर की पत्ती के दरमियान दरमियान लगाने हैं। स्टोन को हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमने येलो सीड बिट्स लिए हैं, ये स्टोन के साइडों पे लगाने हैं। मोर की पत्ती में हमने कप सीक्वेंस का छट्टा लगा देना है। छट्टा लगाने के बाद हमने ऊपर जो पत्ती वाले सीक्वेंस है वो यूज़ करने है। एक पत्ती लेनी है और एक पाइप बीड्स लेना है। इसको हम स्टिच करते जाएंगे ऐसे ही। हमारा दुपट्टा तैयार होके फाइनल लुक ये है। आई होप आपको ये दुपट्टा पसंद आए। अगर दुपट्टा पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। इस दुपट्टे पे जितना भी मटेरियल यूज़ हुआ है वो मैंने सारा वीडियो के लास्ट पे चार्ट दिया है, उसमें सारा लिख दिया है मैंने, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।